देखिए, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम थ्री पॉइंट्स कॉलिनियर है ए बी सी ऑन अ रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर आर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में आए तो आप बाद में करिए, पर क्वेश्चन अच्छा है और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक टावर दिया है और थ्री कॉलिनियर पॉइंट दिए हैं। कभी भी याद रखिए, ये टावर है। ऑब्जेक्ट से हम जितना दूर होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन उतना स्मॉल होता है। एक तरीका तो ये, तो ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी। तो ये एंगल 30 हो गया, इस एंगल को हम 45 बोलेंगे और इस एंगल को हमने बोल दिया 60 डिग्री। अब हमें ए बी बाय बी सी का रेशो बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़े से लॉजिक से चलेंगे तो बता देंगे। जैसे आप चाहें तो इसे एक्स मान लीजिए, इस डिस्टेंस को वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए और इसको आप एच मान लीजिए। तो आपको एक तरह से एक्स अपॉन वाई पूछा गया है। अब इसमें तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, एक इसको नाम दे दें क्यू, इसको दे दें पी। तो एक तीन ट्राइंगल बन रहा है, ए पी क्यू, बी पी क्यू और सी पी क्यू। आप किसी भी एक स्टेप से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1060 लीजिए तो आप बोलते एच अपॉन जेड और इसको लिख सकते थे रूट थ्री जेड इक्वल टू एच, यानी एच को इन टर्म ऑफ हमने जेड ले लिया। ऐसे ही 1045 जब लेते तो आप लिखते 1045 इक्वल टू एच अपॉन वाई प्लस जेड। अच्छा, वाई प्लस जेड इक्वल टू एच लिखते आप, और एच की जगह चाहे तो आप लिख सकते थे वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट ऑफ थ्री जेड। यस और नो, यानी वाई की वैल्यू आप ऐसी भी लिख सकते थे, वाई इक्वल टू लिख सकते थे जेड कॉमन लेके रूट थ्री माइनस वन। ये सब काम आने वाले हैं। एंड सिमिलरली एक एंगल लेते 30 डिग्री, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। तो 10 30 डिग्री जब लेते तो आपको मिलता एच अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 10 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू एच की जगह चाहे तो रूट थ्री जेड लिख सकते थे, और यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखा रहने। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री जेड बेटा, तो 2z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप चाहे तो यहां पर y की वैल्यू भी लिख सकते थे। y की वैल्यू क्या है, देखिए आपके पास y की वैल्यू लिखी हुई थी, तो 2z इक्वल टू यहां पर लिख देते आप। जैसे अभी x को निकालना है तो y की लिखेंगे हम, तो x प्लस रूट थ्री जेड माइनस जेड, यानी ऐसा बोल सकते थे 3z प्लस प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, 3z माइनस रूट थ्री जेड इक्वल टू एक्स, राइट। ये दोनों वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं तो हो गया सॉल्व। कैसे, देखिए इसकी जगह लिखा रूट थ्री कॉमन, साथ में जेड कॉमन, तो आपको मिल गया रूट थ्री माइनस वन। नीचे आए तो जेड बाहर लिखा और रूट थ्री माइनस वन, दैट्स इट, जेड कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा रूट थ्री बाय वन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, रूट थ्री इज टू वन। यदि आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक इक्वेशन बनाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो ऐसा नहीं होगा।